हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो हम देख रहे हैं वो है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन्स सिचुएशन बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स, वीडियो को हम पार्ट्स में करेंगे, देखते हैं टू पार्ट्स की थ्री पार्ट्स में करेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट। तो वीडियो शुरू करने से पहले, यस फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बलोच अलग करे उन्होंने उस लाइन में जो कतार में थे, जो बलोचों को अलग करा उन्होंने क्या बताया इससे? उन्होंने ये बताया कि साहब, बलोचिस्तान को हम पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं समझते। आपके प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका में उसकी पैंट उतारी जाती है, उसकी बेल्ट उतारी जाती है। जो अब्बासी था आपका प्राइम मिनिस्टर, उसकी बेल्ट पैंट उतार दी गई थी एयरपोर्ट। और आप लोगों को अफीम खिला रखी है दिमाग में कि आप बहुत बड़े कोई चौधरी हैं, नहीं है। आपके पास पैसे नहीं हैं और अंत में सच्चाई यही है, आपकी जेब में पैसे होने चाहिए, तब दुनिया आपकी इज्जत करेगी। पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया, ईरान मिलके एक टीवी चैनल तुम लोग नहीं बना पाए। और यहां पर बोला है कि साहब, दुनिया पर उस सहराओं में घोड़े दौड़ा देंगे। सब लंबी लंबी बातें। चार फटीचर गरीब मिले और उन्होंने बोला कि हम अरबपति बनेंगे। ऐसे होता है? आज तक किसी पाकिस्तानी की इतनी औकात नहीं हुई कि जनरल साहब आपकी पेंशन कितनी है ये तो बताइए, आपका लंदन में घर कैसे है, आपका दुबई में घर कैसे है। किसी भी पाकिस्तानी की औकात नहीं है पूछने की, क्योंकि आपको बताया गया कि हिंदू जो है ना, हिंदू खा जाएगा तुम्हें, हिंदू मार डालेगा तुम्हें, तुम्हें हड़प लेगा, हिंदू तुमसे नफरत करता है। आपके मन में आ गई नफरत, क्योंकि कम पढ़े लिखे हैं ही आप लोग, पढ़ाई लिखाई इल्म तो है नहीं, जीरो है। अर्दुगुल गाजी भी तभी तक देखोगे तुम लोग जब तक घर में बिजली आएगी, क्योंकि वो भी फर्नेस ऑयल से बनती है और सऊदी अरब से आता है। वो डेफर्ड पेमेंट में जो तेल दिया है सऊदी अरब ने, वो सऊदी अरब ने बंद कर दिया। मांगो तुर्की से, मांगो तुर्की से ऑयल, ईरान से मांगो। पाम ऑयल पे चलाना सीखो अपनी गाड़ियां, अगर मलेशिया दे दे पाम ऑयल तो, वो भी फ्री में चाहिए तुम्हें, पैसा दोगे नहीं किसी को। मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, अगर मैं पाकिस्तानी होता तो कहता आपसे कि मेरे अजीज हमवतनों, लेकिन मैं पाकिस्तानी नहीं, हिंदुस्तानी हूं। इसलिए मैं कहूंगा मेरे भाइयों और बहनों, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो आपको जानने की जरूरत है, जो आपका मीडिया आपको नहीं बताएगा, जो आपके इदारे हैं वो आपको नहीं बताएंगे। लेकिन जो अरब हैं, जो अरबों ने आपको सपोर्ट करा है, जो अरबों ने आपको अरबों दर अरबों डॉलर की एड दी है, जिन अरबों के पैसों से आपके मसाजिद बने हैं, जिन लोगों की वजह से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जिनकी वजह से आप लोग खा पी सकते हैं, आपके लाडले हैंडसम इमरान खान ने उन सबको आइसोलेट कर दिया बदतमीजियां करके, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी। राइट, आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं। तीसरी चीज, आपने समझा कि दुनिया वैसे ही चलती है जैसे पाकिस्तान चलता है। यू नो, पिंड में एक चौधरी होता है, फिर वो घोड़े पे आता है और फिर अपनी दादागिरी करता है। देखिए, बुजुर्ग बादशाह सऊदी अरब का, इमरान खान उंगली देख के उसकी तरफ बातचीत करते हैं, और इसके पहले कि सऊदी अरब के बादशाह सलामत कुछ बोले, इमरान खान वहां से चले जाते हैं। प्रिंस बिन सलमान के साथ बदतमीजियां, ये बोलना कि साहब हम तुर्की और ईरान और मलेशिया को अलग कर देंगे और एक अलग ओआईसी बना देंगे, एक अलग मुस्लिम कंट्रीज का फैक्शन बना देंगे। ऊपर से तुर्की भी कह रहा है कि साहब, ये जो हज है ये कमेटी के हिसाब से होना चाहिए और इसमें तुर्की की भी से होनी चाहिए। ये सब जो आप लोग गेम खेल रहे हैं ना, ये गेम उनको शोभा देता है जिनके पास पैसा हो। एक कहावत है भारत में कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, यानी माफी उसी सांप को, माफी वही सांप दे सकता है जिस सांप के पास जहर होता है। आपके पास जहर नहीं है, आपके दांत नहीं है, आप किसको क्या माफ करेंगे और किसको क्या धमकी देंगे। दोस्तों देखिए, इसके पहले कि मैं आगे बताऊं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्यों गड्ढे में गिर गई है, एक जरा ऑडियो सुनिए और इस ऑडियो को मैं समझाऊंगा बाद में आपको, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी फॉरेन पॉलिसी की वजह से आप लोग क्यों मार खा रहे हैं। सुनिए जरा। यार, मैं 99 में ना इधर पहली दफ़ा मिडल ईस्ट में आया था, दुबई में, अबू धाबी वगैरह में, फिर और अभी तक मतलब 21 साल हो गए मिडल ईस्ट में हूँ, मगर अभी तक कोई वो
रेसिज्म का, एंटी पाकिस्तान होने का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। कल रात को एक बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस हुआ मुझे। तो अभी आजकल कोरोना की वजह से ऐसा है कि अगर आपको अबू धाबी जाना है तो आपको यहाँ पे दुबई में अपना कोरोना का टेस्ट करवाना है, और वो जो वो ब्लड टेस्ट होता है और उसका रिजल्ट आ जाता है तो वो फिर आप अबू धाबी चले जाते हैं। तो रास्ते में चेक पॉइंट है जहाँ पर वो टेस्ट चेक करते हैं। तो मैं था, मेरा कॉलीग था, वो भी पाकिस्तानी था। हम दोनों वहाँ पर जब पहुँचे, रात हो गई, तकरीबन शाम का टाइम था, 6 बजे का टाइम था। तो उन्होंने हमारे वो एमिरेट्स आईडीज देखी और उन्होंने हमें कहा कि आप ना ये साइड पे, मतलब वो रेगिस्तान जो सहरा था ऑफ द रोड, वहाँ पर जाकर खड़े हो जाए, वहाँ पर पुलिस आपका ये आईडी इंस्पेक्ट करेगी। तो खैर कुछ गाड़ियों को छोड़े थे, हमें उन्होंने कहा साइड पे चले जाएं। तो हम साइड पे चले गए तो वहाँ पे ऑलरेडी कोई 50-60 गाड़ियाँ जो थी वो खड़ी हुई थी अंधेरे में, और वो पुलिस वाले जो थे वो कुर्सियों पे बैठे हुए थे, वो कोई मतलब सिगरेट पी रहे थे, मतलब उछल कर रहे थे, और ये कोई 50-60-70 लोग यहाँ पे लाइन में खड़े हुए थे। थोड़ी देर के बाद उनमें से एक पुलिस वाला उठ के आया और उसने कहा कि भाई इंडियन, नेपाली, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, मतलब और इंडियन, नेपाली, बांग्लादेशी, श्रीलंकन और बलोची जितने भी हैं वो साइड पे आ जाएं, जो पाकिस्तानी हैं वो खड़े रहें। अच्छा, कुछ उसमें ऐसा था कि अच्छा, और वो जो बाहर आया उनको उसने कहा कि तुम लोग जाओ, तुम्हें यहाँ पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसमें कुछ ऐसी भी गाड़ियाँ थी जिसके अंदर मिक्स प्लेट थी कि कोई इंडियन था साथ पाकिस्तानी था, या कोई अरबी था, और एक मतलब एक केस था जिसमें दो अरबी थे, उनका ड्राइवर पाकिस्तानी था। तो उन्होंने उनको बोला कि तुम लोग गाड़ी ले जाओ, इसको यहीं पे छोड़ जाओ। तो उन्होंने बोला कि भाई ये बीच सहरा के वहाँ कैसे आएगा। तो उसने वो मतलब मेरा जो साथ कॉलीग था उसको अरबी आती थी, तो वो बता रहा था कि उन्होंने बोला कि यार ये इसका मसला है, तुम मतलब तुमने जाने चले जाओ, तुम्हें यहाँ ठहरने की जरूरत नहीं, यहाँ टाइम लगेगा। तो खैर वो मालूम नहीं वो लोग गए कि नहीं गए, मगर वो उन्होंने पाकिस्तानियों को सारा वहाँ पे खड़ा रखा। अच्छा, और उसमें कम अज कम 3 फैमिलीज भी थी कि उनके छोटे बच्चे थे, खवातीन साथ थी, और वो ये कह रहे थे कि जी ऐसा नहीं हो सकता है कि गाड़ी में बैठेंगे, आपको लाइन में खड़ा होने, आप अभी हो जाएं और लाइन से आपकी बारी आएगी। अब आप अगर मियां लाइन में खड़े और बीवी बच्चे लाइन में नहीं खड़े तो आपको वो मतलब फिर मियाँ का हो जाएगा जो भी इंस्पेक्शन होनी है, बीवी बच्चे फिर दोबारा से लाइन में आके लगेंगे। कम से कम एक फैमिली ऐसी थी जिनके साथ एक बुजुर्ग खातून थी, वो कोई वालदा होंगी किसी की, तो वो भी बेचारी वहाँ पे खड़ी हुई। तो ज़्यादातर क्योंकि वो ड्राइवर लोग पठान होते हैं तो उन्होंने थोड़ा सा शोर वोर किया कि अरे क्या हो रहा है। तो वो आगे से जवाब देता है, मतलब यहाँ पे इमिग्रेशन वालों को, पुलिस वालों को एक बड़ा कॉमन सी चीज़ है कि उनको बेसिक उर्दू आती है। तो वो उनको आगे से जवाब देते हैं कि नहीं खड़े होना ना, जो इमरान खान को कहो। तो इसके ऊपर जो वो थे पठान, वो मतलब उनका घूम गया दिमाग। तो वहाँ पर कोई उस वक्त तक तकरीबन 70-80 लोग जमा हो चुके थे, तो वो उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए, पीटीआई जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। और एक आध केस के अंदर कोई वीडियो भी, कोई मतलब इस तरह के वाकयात में लोग वीडियो भी बना लेते हैं। तो उसने क्या किया कि जितने भी लोग खड़े हुए थे इंक्लूडिंग अस, सबके मोबाइल ले लिए कि ये आप मोबाइल दे दो और बस सब छुट्टी करो। उन्होंने तकरीबन और बोलते हैं कि जो इमरान खान से जाके अपना फोन वापस ले लो, मतलब एक पर्सनल नाम लेके वो इस तरह से कर रहे थे सिर्फ पाकिस्तानियों को। मतलब मैं वहां पे खुद तकरीबन 2.5 घंटे खड़ा हुआ, फिर मतलब हम में से अक्सर ने बोला कि भाई हम ठीक है, हम नहीं जाते अबू धाबी, हम वापस दुबई चले जाते हैं। तो उसने बोला नहीं है, मतलब अब आ गए तो आ गए, अब बस यहाँ से जाना कुछ कुछ नहीं है। तो खैर वो कोई 2.5-3 घंटे के बाद उन्होंने मतलब वो कैबिन सा वो बनाया हुआ था, वहाँ पर उन्होंने सबको बारी बारी बुलाना शुरू किया, और
किसी का उन्होंने वो मतलब डीएनए टेस्ट होता है ना, वो हाथ पे जो वो फेरते हैं और वो उसका सैंपल लेते हैं, कोई फिंगर प्रिंटिंग वो कुछ होता है, मुझे मतलब आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज दैट, मगर वो किसी किसी का वो किया, किस मतलब अक्सर का नहीं किया, मगर वो जो सवाल जिस तरह उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम पाकिस्तानी हो, मैंने कहा पाकिस्तानी है कि अच्छा कब से हो यूएई में, वापस कब जा रहे हो, तो मैंने बोला मैं सऊदी अरेबिया में रहता हूँ, मैं चला जाऊंगा हफ्ते में, तो मुझे आगे से बोलता है जल्दी जाओ। तो मुझे समझ नहीं आई, जो मेरा कॉलीग था साथ वो जब गया तो उसको भी कहा कि अच्छा वो रहता ही यहाँ पे है, तो उसने कहा जी मैं तो यहीं पे रहता हूँ, तो वो उसको आगे से बोलता है कब तक रहोगे, यानी इस तरह से उन्होंने सवाल किए, खैर उन्होंने दे दिए और वो कहा कि भैया आप लोग वापस जाओ। खैर उस वक्त तक एक गुस्सा चढ़ चुका था, मैंने कहा चलो मैं वापस, चलो दफा करो इसको, मगर ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो कि यानी स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी है, और अलग से कह रहे हैं कि जो बलोची है वो भी जाए। अब यानी एक ये अजीब सी बात थी कि पाकिस्तानी सिर्फ यहाँ पे खड़ा रहेगा, और जो दूसरे अरबी थे या अफगानी, एक बंदा था ट्रक ड्राइवर अफगानी, उसको कहा तुम भी जाओ। तो एक बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस था ये जो कि मेरे साथ हुआ। दोस्तों आपने सुना किस तरीके से एक पाकिस्तानी आदमी अपने खानदान के साथ जा रहा था, पहले उसको जलील करा सबको, नेपालियों को, भूटानियों को, श्रीलंकन्स को, इंडियंस को, बलोचियों को तक, जो बलोच थे उनको तक बोला कि ठीक है तुम बलोच हो तुम अलग आओ, पाकिस्तानियों लाइन में लग जाओ जरा। ये दो चीजें दिखाता है, पहली चीज कि पूरे जितने भी अरबी हैं अब आपसे नफरत करना उन्होंने शुरू कर दिया क्योंकि आपने उनके साथ बदतमीजियां करी, आपको तमीज तो है नहीं। थोड़ा सा कहते हैं ना कि एक जानवर होता, मैं नाम नहीं लूंगा, उस जानवर को घी हजम नहीं होता, तो आपके जो कायदीन हैं, आपके जो लीडर्स हैं, उनके साथ भी उनको घी हजम नहीं होता, दैट इज द बिग प्रॉब्लम विद देम, उनको घी हजम नहीं होता, उनको घी हजम नहीं हुआ। तुर्की ने थोड़ा सा एक टीवी सीरियल क्या दिखा दी, औकात से ऊपर उड़ने लगे, ईरान ने हाथ क्या मिला लिया, आपने बोला कि अब हम दुनिया की बादशाहत हमारी होगी, तो ये सब जो चीजें। दूसरी चीज उन्होंने क्या करा कि बलूचिस्तान को, जो बलोच अलग करे उन्होंने उस लाइन में जो कतार में थे, जो बलोचों को अलग करा उन्होंने क्या बताया इससे, उन्होंने ये बताया कि साहब बलूचिस्तान को हम पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं समझते। अब आप देखिएगा इसके क्या रिपरकशंस होंगे, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि जो इस्लामिक वर्ल्ड की कयादत आप लोग कैसे करेंगे, साहब एक बात छोड़िए मेरी, एक दूसरी बात समझिए, आप लोग कयादत कैसे करेंगे इस्लामिक वर्ल्ड की, पैसे आपके पास है नहीं, कैरेक्टर आपके पास है नहीं, डिप्लोमेसी आपके पास है नहीं, फॉरेन अफेयर्स आपका फटा पुराना है, कैसे, क्योंकि आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, आपके पास एटम बम है, इसलिए लोग आपको माने, ऐसे होती है दुनिया की कयादत, एटम बम से कुछ नहीं होता। ये जो कहते हैं ना कि सहराओं में घोड़े दौड़ा दिए तलवार लेके, ये सब ड्रामे 7th-8th century में होते थे, आज से 1400 साल पुराना, अब ये नहीं चलते ये सब। अब कोई भी मुल्क है अपनी महशत से माना जाता है, आपकी इकोनॉमी से माना जाता है, सऊदी अरेबिया के पास तेल का पूरा एक सागर है, सऊदी अरेबिया के नीचे जमीन कम है, तेल ज्यादा है, सऊदी अरेबिया को इसलिए लोग पूछते हैं, पर आप लोग पता नहीं किस बेसिस पे आप लोग, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया, ये क्या इकबाल के शेर सुनाते हैं कि मिट्टी बड़ी जरखेज है, ये कौन आपको झूठ बोलता है, ये कौन आपको झूठ बोलता है कि मिट्टी बड़ी जरखेज है, और ये सब आप लोग की कयादत बिल्कुल, मैं बता रहा हूं इतनी गैर जिम्मेदाराना है पाकिस्तान की कयादत। इमरान खान उन्हीं से जहाज लेते हैं, उन्हीं से जहाज लेते हैं सऊदी अरब से, और सऊदी अरेबिया बीच में से जहाज निकाल लेता है, तेरा बदतमीज आदमी निकालो उसको, जाएगा टैक्सी लेके, उबर लेके जाएगा, ये इसकी औकात नहीं हमारे जहाज पे चढ़ने की। आपके प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका में उसकी पैंट उतारी जाती है, उसकी बेल्ट उतारी जाती है, जो अब्बासी था आपका प्राइम मिनिस्टर, उसकी बेल्ट पैंट उतार दी गई थी एयरपोर्ट पे, सिक्योरिटी, ये आपके मुल्क का हाल है। मैं आपको कोई ऐसे खराब बात नहीं करना चाहता, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपका मुल्क एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है, और आप लोगों को अफीम खिला रखी है दिमाग में कि आप बहुत बड़े कोई चौधरी हैं, नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, और अंत में सच्चाई यही है, आपके जेब में पैसे होने चाहिए, तब दुनिया आपकी इज्जत करेगी। तो फ्रेंड्स वीडियो तो काफी कमाल का है, और जिस तरह से इन्होंने ये बताया, काफी शॉकिंग चीजें बताई हैं अभी तक, और खासकर जो बताया कि एक एक्सपीरियंस एक पाकिस्तानी का वहां पर जब गए हैं, वहां रहते हैं मेरे ख्याल से,
और किस तरह से ट्रीट किए गए कि सबको अलग करके उनको तो भेज दिया और इनको पकड़ के इस तरह से बोला, और बड़े मतलब जो बोला भी बहुत ब्लंटली बोला कि आप वापस चले जाओ, मतलब वो दिखा रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि आप यहाँ रहो, तो काफी इंसल्टिंग है और काफी इससे आई ओपनिंग इनको पता चलना चाहिए कि सिचुएशन जो है और जो कैसे दुनिया उनको देख रही है, किस नजर से देख रही है, वो अच्छी नजर नहीं है, तो प्रॉपर उनको थोड़ा देखना चाहिए कि किस तरह से इंटरैक्ट कर रही है कंट्री बाकी कंट्रीज के साथ, क्योंकि सिचुएशन वर्स्ट हो रही है। अब उनको इतना फर्क नहीं पड़ता होगा, पर आम पाकिस्तानी जो कॉमन में पाकिस्तानी है वो जब बाहर जाएगा उसको कितनी स्ट्रगल्स और कितनी ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ रही है, बिकॉज गवर्नमेंट अपना काम जो है प्रॉपर वे से नहीं कर रही जिस तरह से उसे करना चाहिए। तो यही मेरे ख्याल से अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं मेजर गौरव आर्या, जो कॉमन पब्लिक है पाकिस्तान की उनको बता रही है कि देखो कितना तुम लोगों को फेस करना पड़ रहा है, और उन्होंने आपके आंखों के आगे जो है एक पर्दा सा लगा दिया ये बोल के कि हिंदूज जो है आपके दुश्मन है, बस एक वो पर्दा लगा दिया है और आपको बेवकूफ बनाते जा रहे हैं, और आपकी जो सिचुएशन है बाहर जाते हो आप कहीं पे भी तो आपको देखो कितनी तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं। अच्छा वीडियो साहब, ये है कि 2065-2050 तक जो है कहा जाता है कि मिडल ईस्ट कंट्रीज का ऑयल खत्म हो जाएगा या बहुत ही कम हो जाएगा। अब अगर आप देखें कि लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर कौन है, वो अमेरिका है, तो लोगों को पता ही नहीं होता, उनको लगता है कि सऊदी अरेबिया भी लार्जेस्ट है। अब देखिए अगर लार्जेस्ट नहीं है तो वन ऑफ द लार्जेस्ट होगा, वन ऑफ द लार्जेस्ट जो ऑयल एक्सपोर्टर है वो यूएस है और रशिया है और फिर ये भी सऊदी अरेबिया है। तो यूएस में जो है बहुत सारा ऑयल है मगर वो रॉक्स के अंदर है, तो उसके लिए फ्रैकिंग करनी पड़ती है आपको, और फ्रैकिंग जब यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया था फ्रैकिंग, तो यूएस ने इतना ऑयल निकाला कि वो नंबर वन एक्सपोर्टर है, मगर यूएस डिपेंडेंट नहीं है ऑयल पे, और इसीलिए यूएस में सोलर पावर चल रही है, इंडिया में भी सोलर पावर चल रही है। तो इवेंचुअली जिस तरीके से टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ रही हैं, जैसे आपको पता ही है टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स लेके आ गई है और टेस्ला बहुत सक्सेसफुल है, इतनी सक्सेसफुल है टेस्ला कि इलॉन मस्क जो है बिल गेट्स से भी आगे बढ़ गए हैं पैसे में। आई थिंक अभी कुछ न्यूज आई थी कि बिल गेट्स को डिफीट कर दिया इलॉन मस्क ने, इतनी इलेक्ट्रिक कार्स की पोटेंशियल है क्योंकि लोग चाहते हैं इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑयल, जबकि यूएस में ऑलरेडी ऑयल है। अब जब जो बंदे गए हुए हैं मिडल ईस्ट में उनको ये तो पता ही होगा कि जब आप मिडल ईस्ट में जाते हैं और वर्सेस आप मान लीजिए घूमने के लिए आप यूरोप में गए, आप घूमने के लिए यूरोप में गए वर्सेस आप घूमने के लिए मिडल ईस्ट में गए, आपको इमीडिएटली डिफरेंस नजर आता है। एक जगह डेमोक्रेसी है, आप फ्री हैं, अगर कोई पुलिस वाला पकड़ता भी है तो आपको लेके भी जाता है, तभी लीगल प्रोसेस होगा, ये होगा वो होगा, कोई ऐसे इस टाइप का कुछ तूत मेमा नहीं है। वहां पे अगर आपको पकड़ ले तो आप गए, क्या पता क्या होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी तो है नहीं। मैं खुद वहां रहा हुआ हूं, जैसे पहले भी मेरे वीडियोज में कहा था, तो डर सा लग रहा था, आते सारी आपका वीजा ले लेते हैं कि आपका मतलब पासपोर्ट ले लेते हैं, आपका पासपोर्ट चला गया, एग्जिट वीजा होगा तभी जाने देंगे, कि कोई मतलब कोई जेल टाइप है कि आप आ गए तो आपको रोक लिया, अब जाने के लिए आपको एग्जिट वीजा चाहिए जो आपका एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा, जो भी बंदा था जिसने आपको बुलाया था। तो ये सब देख के आपको लगता है क्या है, मैं जा भी नहीं सकता, और उसके बाद जो है आप ये जैसे, और दूसरा जो आपको फीलिंग आती है कि डायरेक्टली कोई आपको ऐसे नहीं करेगा, पर आपको फीलिंग आती रहेगी नॉर्मल लोगों के साथ कि मतलब आप कोई सेकंड सिटीजन है, जब आप लैंड ही नहीं खरीद सकते इन्फीरियर फील होगा कि आप इन्फीरियर हैं, पीछे रहिए, ये शेख पहले जाएंगे, और आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, आप तो वर्कर हैं, यहाँ पे काम के लिए आए हैं, हम खरीद नहीं सकते प्रॉपर्टी, हम महलों में रहते हैं, तुम तो छोटे मोटे मतलब लोग हो जो काम करते हो हमारे लिए, जो भी आपकी जैसे फीलिंग आती थी कि आप मेड सर्वेंट जैसे होती हैं, आप नौकर चाकर हो, काम करते हो, चाहे कुछ भी, आपकी कोई भी पोजिशन हो, ये फीलिंग मेरी अपनी पर्सनल है, मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी लोगों को आती है, मुझे आती थी, और जो भी मतलब आप देख सकते हैं वहाँ पे लोग जो भी काम कर रहे हैं उनको नॉर्मली, जो मेरे दोस्त हैं उनको भी यही फीलिंग आ रही थी, तो यही था कि काम खत्म हो निकलो कहीं और जाओ। अब दूसरा जो है इन्होंने भी यही सिद्ध किया कि इतने साल बाद भी अभी इनके ऊपर और बदतर हो गए, ऐसे बोल रहे हैं कि इन्होंने जब देखा कि जब इन्होंने साइड में किए लोग, तो देखिए साइड में जो लोग की कौन थे, इन्होंने बोला इंडियन, नेपाली, भूटान, इन्होंने श्रीलंका है, इनको अलग किया, कहाँ गए जर्मन्स, कहाँ है यूके के लोग, कहाँ है स्पैनिश, कहाँ है पोर्चुगीज, कहाँ है अमेरिकन, कहाँ है राइट ब्रिटिश सिटीजन, कहाँ है ये सारे पोलिश, कहाँ है रोमेनियन, पूरा जो यूरोप है स्वीडिश नॉर्वेजियन, वो कहाँ है,
उनको नहीं कुछ किया, उनको नहीं, राइट, वो नहीं है उनको, वो जा रहे हैं बिंदास, पकड़ा किसको, हम लोगों को। तो पहली बात जब वहां जाते हो तो इन लोगों से जब भी इंटरेक्ट करते हो तो पहली बात ये आती है, वो सोचते हैं कि आप लोग गरीब कंट्री से आए हो, मतलब गरीब कंट्री से आए हो, जबकि उनको दिख रहा है कि तुम्हारा मैनेजमेंट तो हम ही लोग चला रहे हैं मगर तुम गरीब कंट्री से आए हो। जैसे मैंने बहुत एलिवेटर भी आ रहा है तो तुम कैसे घुस रहे हो, पहले जो वहां की लेडीज है वो जाएंगी, वो पूरी वापस आएंगी, फिर तुम नौकर जाकर जाओगे, मतलब उस टाइप की आप देखते हो, बोलते हो अरे भैया मैं तुम लोगों से इतना ज्यादा पढ़ा लिखा हूं फिर भी तुम मुझे ट्रीट कर रहे हो। हम लोग तो व्हाइट कॉलर जॉब्स में गए थे, करेक्ट, बहुत सारे लोग हैं जो ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए आए हैं, ड्राइवर्स हैं जो ड्राइव कर रहे हैं, बहुत सारे केरला से लोग जाते हैं, नर्सेज जाती हैं, ठीक है मान ली उनका थोड़ा ब्लू कॉलर काम है, हम लोग व्हाइट कॉलर वाले हैं, राइट, हमारे पास सोफिस्टिकेटेड डिग्रीज हैं, हम जा रहे हैं वहां पे तुम्हारे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो तुम्हें हिम्मत नहीं बनाने की वो बना के दे रहे हैं, फिर भी तुम ट्रीट कर रहे हो व्हाइट कॉलर जॉब्स के लोगों को ऐसा। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको लगता था कि यहां क्यों आए, राइट, और फिर जो है इवेंचुअली जब हम यहां से गए तो हमने भी एडवाइस किया अपने अपनी कंपनीज में इंडिया में कि नहीं कहीं और जाओ, और उसके बाद जो है ऑब्वियसली ट्रेड कम हो गया, ट्रेड खत्म हो गया, हमारी कंपनीज भी मूव ऑन कर गई यूरोप और यूएस में, तो सब कुछ चेंज हो गया हमारे फीडबैक से कि नहीं जगह ठीक नहीं है, इंडियंस पढ़े लिखे इंडियंस के लिए ठीक नहीं है, जो मजबूर इंसान है वो जाके करता है फाइन उसकी मजबूरी है, मगर जो पढ़ा लिखा इंसान है नो बॉस। इसीलिए जो है बहुत, और अगेन ये बात मैं आपको कर रहा हूं 35 साल पहले की बात हो रही है, उस वक्त भी इतना फील होता था, फिर लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया कि उसके बाद जो है इमिग्रेशन शुरू हुआ यूएस और यूके वगैरह वगैरह, मगर यहां पे ये पॉइंट मैं पॉइंट करना चाहता था कि इन्होंने पकड़ा किनको, इंडियन सारे साउथ ईस्ट एशियंस को पकड़ के साइड में कर लिया इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वो बात अलग है कि पाकिस्तान के ऊपर और कर रहे हैं वो आज के जमाने में, मगर पकड़ा किसको, यूरोपियंस गोरा आदमी को इन्होंने छोड़ दिया, क्यों, तो यही पॉइंट था, बट दुख की बात है, अब देखते हैं अगला पार्ट। यस फ्रेंड्स, तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।